नमस्कार, वेलकम टू बेस्ट स्टूडेंट पॉइंट। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड टीचर्स विद्यार्थी के लिए ये गुड न्यूज है, क्योंकि आरपीएससी में जो फुल कमीशन मीटिंग हुई थी वो समाप्त हो चुकी है। ये फुल कमीशन बैठक की जो मीटिंग हुई थी, ये किसके दबाव के कारण आरपीएससी में हुई थी, मैं आपको बता देता हूँ। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव और अन्य अधिकारियों ने ये मीटिंग की, जिसमें रेस्टा का दबाव, अर्थात रेस्टा का दबाव ये क्या है, मैं आपको बता देता हूँ कि जो रेस्टा के द्वारा, यानी कि राजस्थान एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी टीचर एसोसिएशन, ये रेस्टा के द्वारा जो एप्लीकेशन दिया गया है उसका दबाव सीधा सीधा आरपीएससी पर पड़ा। तो आरपीएससी में जब ये मीटिंग हो रही थी, तो मैं आपको बताऊं कि इसमें जो मीटिंग का नतीजा है वो बहुत ही संतोषजनक रहने की उम्मीद है। कारण क्या है कि जब सचिव से पूछा गया कि मीटिंग अभी भी उसका जो परिणाम है वो ओपन नहीं किया है, मैं आपको कहने का मतलब ये है, मैं आपको गुमराह करूं या फिर आपको कुछ ऐसी बातें बता दूं, जो हकीकत है वही मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं कि एग्ज़ाम डेट स्थगित है, इसकी भी अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, लेकिन इतना ज़रूर कहा है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव ने कि अभी भी आपके एडमिट कार्ड हैं वो जारी नहीं किए जाएंगे। यानी कि एक बात देखें तो 5 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाते हैं, कल 28 दिसंबर है, तो इसके बाद आपके मात्र 5 दिन ही बचते हैं एग्ज़ाम को, क्योंकि एग्ज़ाम 3 जनवरी से स्टार्ट है। लेकिन फिर भी वो जो सचिव है उनका कहना ये है कि अभी भी आपके एडमिट कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे, तो इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, आपके 100% फुल चांस बनते हैं कि एग्ज़ाम डेट स्थगित होगी और वो जुलाई अगस्त के आसपास आपकी एग्ज़ाम डेट होगी। और मैं आपको ये कारण भी बता चुका हूँ कि ऐसा किस कारण हो रहा है जिसमें आपने ये जो रेस्टा ने जो ये दबाव बनाया है, इधर चुनाव आयोग ने भी स्पेशल आरपीएससी से मना कर दिया है, विद्यार्थियों को फुल छूट दे दी है, अगर वो एडमिट कार्ड जारी करता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। अगर आप मेरी बातों से संतुष्ट हैं तो एक लाइक ज़रूर करना, क्योंकि अभी भी मीटिंग तो ख़त्म हो चुकी है, ये तो खैर 100% है, लेकिन अभी भी जो परिणाम रहा मीटिंग का वो ओपन नहीं किया है। बस आपको गुमराह नहीं कर रहे हैं इसलिए, क्योंकि विद्यार्थी चैनल होने के नाते आपको जो भी बातें हकीकत है वही बताया जाएगा। इतना ज़रूर कहा है कि अभी भी आपके एडमिट कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे। धन्यवाद।